रोमांस एक ऐसा जॉनरा जो मोरलेस हम सभी देखते हैं। किसी को इची रोमांस पसंद है तो किसी को रोमांस कॉमेडी, किसी को स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांस अच्छा लगता है तो किसी को स्कूल रोमांस, बट ओवरऑल हम सभी रोमांस एनिमे देखते हैं। इसीलिए मैंने सोचा चलो क्यों ना तुम लोगों को टॉप 10 रोमांस एनिमे का रिकमेंडेशन दिया जाए। एंड हाँ, काफ़ी दिनों से व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स एकदम नहीं आ रहे, इसी वजह से मैंने सोचा कि ये वीडियो शायद चैनल को थोड़ा रिवाइव कर ले। सभी रैंकिंग मैंने मेरे पसंद अनुसार करी है, सो उन्हें ज़्यादा सीरियसली मत लेना एंड ट्राई टू वॉच ऑल ऑफ दिस एनिमे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, फ्लाई मी टू द मून। फ्लाई मी टू द मून रोमकॉम होने के बावजूद भी बाकी रोमकॉम एनिमे से थोड़ा यूनिक है। अनलाइक मोस्ट अदर रोमकॉम एनिमे, इसके मेन कैरेक्टर्स पहले से ही मैरिड है। हमारे मेल प्रोटैगनिस्ट का नाम है नासा युजाकी, जो बहुत ही जीनियस बंदा है। एक दिन शाम को जब वो घर लौट रहा था तब अचानक उसे एक लड़की दिखती है। इस लड़की का नाम है सुकासा। नासा तो भाई इसके खूबसूरती में एकदम खो सा गया, मगर इसी वक्त रंग में भंग डालने के लिए सीन में एंट्री होती है एक ट्रक का। जी हाँ, एक्सीडेंट होने ही वाला था, बट फॉर्चुनेटली वो लड़की आके नासा को बचा लेती है। हालांकि दोनों को काफी चोट आता है। अभी नासा बिना देरी किए सुकासा को कर देता है प्रपोज। एंड गेस व्हाट, सुकासा कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, तुम्हें मुझसे डायरेक्ट शादी करना होगा। चिंता मत करो, मैंने ज्यादा कोई स्पॉइलर नहीं दिया है, ये सब पहले एपिसोड के अंदर ही था। इसको IMDb पे 7.8 की रेटिंग मिली है। नंबर 9, माय डेसअप डार्लिंग। इस एनिमे को लिस्ट में डालने के पीछे एक ही रीजन है, खैर जाने दो। काफी लोग कहते हैं इसका स्टोरी ज्यादा यूनिक नहीं है, बट इट इज प्रीटी एंटरटेनिंग। इसके अंदर काफी अच्छा कॉमेडी है और रोमांस तो है ही, और इची भी है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इसका स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज इसका रिव्यू मैंने बना रखा है। अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो चेकआउट द वीडियो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। इसे माय एनिमे लिस्ट में 8.3 और IMDb में 8.4 रेटिंग मिली है। मुझे तो ये काफी अच्छा लगा। नंबर 8, टीजिंग मास्टर टकागी-सान। अगर आपको कोई सूदिंग रोमकॉम एनिमे देखना है तो ट्राई टीजिंग मास्टर टकागी-सान। इस एनिमे के मेन कैरेक्टर टकागी और निशिकाटा बहुत ही अच्छे दोस्त है। इन दोनों का आदत है छोटी छोटी चीजों में कंपटीशन करने का, मगर निशिकाटा हमेशा इनमें हार जाता है। बट बोथ ऑफ देम हैव क्रश ऑन ईच अदर। जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है टकागी और निशिकाटा का रिलेशनशिप डेवलप होता जाता है। टीजिंग मास्टर टकागी-सान का मैंने फुल रिव्यू बना रखा है, अगर चाहो तो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। इसका स्टोरी बहुत ही रिलैक्सिंग है। खास बात तो यह है कि इसके अंदर आपको कोई भी एडल्ट सीन नहीं मिलेगा। इसको IMDb पे 7.8 की रेटिंग मिली है। नंबर 7, कारे कानो। नॉर्मली ज्यादातर रोमांस एनिमे लड़का लड़की के कॉन्फेशन पर ही खत्म हो जाता है। लड़के ने बोला आई लव यू, लड़की ने बोला आई लव यू टू, और स्टोरी का हो गया हैप्पी एंडिंग। वेल, कारे कानो का स्टोरी इससे थोड़ा अलग है। दिस एनिमे हाईली फोकस ऑन द लाइफ ऑफ ए कपल एट द टाइम ऑफ बीइंग इन रिलेशनशिप। इस एनिमे के फीमेल प्रोटैगनिस्ट का नाम है युकिनो। युकिनो पढ़ाई लिखाई से लेकर स्पोर्ट्स जैसे चीजों में बहुत ही अच्छी है, सभी उसकी तारीफ करते हैं। युकिनो चाहती है हमेशा लोग उसकी तारीफ करे और वो हर चीजों में सबसे आगे हो, मगर यहाँ पे हो जाती है एक दिक्कत। युकिनो के क्लास में एक ऐसा लड़का है जो उससे भी परफेक्ट है। युकिनो ठान लेती है मुझे इसे किसी भी तरह से हराना ही होगा, मगर देखते ही देखते हालात ऐसा मोड़ लेता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। मगर जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करेगी आपको दिखेंगे इनके जिंदगी के राज। इसे एनिमेट करा है स्टूडियो जेसी स्टफ ने और इसे IMDb पर 7.7 रेटिंग मिली है। नंबर 6, कामी-सामा केस। इस एनिमे की फीमेल प्रोटैगनिस्ट है नानामी, जिसके जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी हुई है। उसके पिता की बहुत ज्यादा उधार होने के कारण वह अभी होमलेस हो चुकी है। एक दिन उसे मिकागे नाम का एक बंदा मिलता है जिसके कुत्तों से बहुत पड़ती है। नानामी उसे एक कुत्ते के हाथ से बचाती है। असल में वो बंदा योकाई था। अभी तुम लोग योकाई का मीनिंग स्पिरिट कह सकते हो। नानामी मिकागे को अपने बारे में बताती है। ये सब सुन के मिकागे नानामी को अपने घर में रहने देता है। इसके बाद नानामी धीरे धीरे मिकागे से प्यार करने लगी, ये जानते हुए भी कि वो योकाई है। इसका स्टोरी बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग है। सच कहूं तो आप इसके कैरेक्टर्स के दीवाने बन जाओगे।
इसे स्टूडियो टीएमएस ने एनिमेट किया है और इसे 8.2 रेटिंग मिली है। नंबर 5, होरिमिया। होरिमिया एक ऐसा एनिमे है जिसे देखकर मजा आपको आएगा ही। होरिमिया का स्टोरी रिवॉल्व करता है हमारे मेन कैरेक्टर्स होरी और मियामुरा के अराउंड, जिनके पर्सनैलिटीज एकदम अलग है। हमें दिखाया जाता है कैसे इन दोनों की मुलाकात होती है, कैसे ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं और आगे क्या हुआ। होरिमिया बिल्कुल एक ट्रक की तरह है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कब आप इसके दीवाने बन जाओगे। जिस तरह से पूरे स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है ना, वो सच में काबिले तारीफ है। इसे IMDb पर 8.3 रेटिंग मिली है। नंबर 4, आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियास। इट वॉज द फर्स्ट एनिमे जिसे देखकर मैं रोया था। साकुरा को बहुत ही सीरियस पैंक्रियाटिक डिजीज है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, साकुरा जल्दी ही गुजर जाएगी। मगर ये जानते हुए भी साकुरा हमेशा खुश रहती है, वो अपने लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करती है। साकुरा यूज्ड टू राइट डायरी, मगर एक दिन वो डायरी खो गया। वो डायरी मिला हारुकी नाम के एक बंदे को जो उसी के क्लास में पढ़ता था। हारुकी वॉज ए इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ गाय जिसका कोई दोस्त वगैरह नहीं है। वो डायरी पढ़ के उसे साकुरा के डिजीज के बारे में पता चला। इसके बाद उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे दे ऑल्सो स्टार्टेड हैविंग फीलिंग्स फॉर ईच अदर। मगर जैसा मैंने कहा, साकुरा विल डाई सून, तो क्या होगा फाइनली, जानने के लिए चेकआउट दिस एनिमे। बहुत ही अच्छा मूवी है भाई, बस थोड़ा सैड है। रेटिंग वगैरह की बात करें तो इसे IMDb पर 8.1 रेटिंग मिली है। नंबर 3 पे है योर लाई नेप्रिल। इसे देखकर मुझे गजब की डिप्रेशन हुई थी यार, मगर बिना दिधा के मैं ये तो कह सकता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एनिमे ऑफ माई लाइफ। स्टोरी थोड़ा डिप्रेसिंग है, मगर तुम्हें काफ़ी पसंद आएगा, सो गिव इट अ ट्राई। इसको 8.5 रेटिंग मिली है। नंबर 2, ए साइलेंट वॉइस। कभी कभी कूल बनने के लिए हम क्या क्या नहीं कर जाते। सेम गोज़ टू आवर मेन कैरेक्टर शोया। जब वो छोटा था तब उसके क्लास में निशिमिया नाम की एक लड़की भर्ती होती है जिसे बचपन से सुनाई नहीं देता था। वो ठीक से बोल भी नहीं पाती थी, इसी वजह से वो साइन लैंग्वेज और लिख के कम्युनिकेट करती थी। निशिमिया दिल की बहुत ही अच्छी थी यार, मगर फिर भी शोया उसे हमेशा बुली करता रहता था। क्यों? बिकॉज उसे दोस्तों के सामने कूल बनना था। उसके फ्रेंड्स भी ऐसा करते थे, बट ही वॉज टोटली ऑन एन एक्सट्रीम लेवल। इन सब के चलते निशिमिया को स्कूल छोड़ के जाना पड़ा और पूरा इल्जाम आया शोया के ऊपर। उसके सारे दोस्त उसे छोड़ के जाने लगे, शोया एकदम अकेला पड़ गया था। जैसे वो निशिमिया को बुली करता था, ठीक वैसे ही सभी उसे बुली कर रहे थे। अभी ऐसे परिस्थिति में जैसा होता है, इन सब के लिए शोया खुद को ही दोष देने लगा। बड़े होके भी उसका सेम हालत था, इवन कि उसने सुइसाइड अटेम्प्ट भी किया। मगर एक दिन फिर से उसे निशिमिया दिखी, एंड देन वो अपने किए के लिए प्रायश्चित करने की कोशिश करने लगा। देखो भाई, अगर तुम्हें एकदम फुल एंटरटेनिंग एनिमे चाहिए ना, तो मैं पहले ही बता दूं, ये उस टाइप का एनिमे नहीं है। रैदर दिस एनिमे पोर्ट्रेट्स ए डार्क रियलिटी, एक ऐसी चीज जो हर मोमेंट दुनिया के किसी न किसी कोने में हो रही है। मूवी के अंदर काफी कायदे से दिखाया गया है कि क्यों कोई दूसरे को बुली करता है। अगर तुम इस एनिमे के डीप मीनिंग और फिलोसॉफी को समझ पाए ना, तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। माय एनिमे लिस्ट पर इसे 9 की रेटिंग मिली है। नंबर 1, योर नेम। वैसे तो योर नेम को नंबर 1 पे डालने के पीछे कई सारे कारण है, मगर जो रीजन मैं देना चाहता हूँ वो है, आई लाइक दिस एनिमे वेरी मच। अगर तुम ओटाकू हो, जो तुम जरूर हो ही, तो ऐसा शायद ही होगा कि तुमने योर नेम नहीं देखा है। I mean, ये इंडियन थिएटर्स में आया था। बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है भाई, तुम्हें मजा ही आ जाएगा। इसे माय एनिमे लिस्ट पर 8.9 और IMDb में 8.4 रेटिंग मिली है। तो भाई, आज के इस वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए। आरा, आरा, सायोनारा।